5 सच्चाई की जीत हुई है, और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। सर्वसम्मति से, दोनों जज साहबान के सर्वसम्मति से ये फैसला आया, माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिली, और ये सबकी उम्मीदें थी कि आज बेल मिलना चाहिए। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, MLA, MP सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे संकट के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था, एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं, लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी ऑनरेबल कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग हमारे मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे, अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी, और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक, दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में
कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। सर्वसम्मति से, दोनों जज साहबान के सर्वसम्मति से ये फैसला आया। माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिली और ये सबकी उम्मीदें थीं कि आज बेल मिलना चाहिए। चूँकि ईडी के मसले पे बेल मिल चुका था तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस थे, के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना किस, इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप चार व्यक्तियों में दो व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवल करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कर क्या रहे हैं आप?
तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा, हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से। केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी,